अस्सलामु अलैकुम एंड बिलेटेड ईद मुबारक टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मलाई चाप की रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए करीब 1 किलो चाप, क्योंकि ये मटन है और थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए पहले हम इसे करेंगे बॉईल। बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में सारी चाप को ऐड करा है। इसके साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। बस यही 2 सामान ऐड करने हैं इसके साथ, क्योंकि हम बॉईल कर रहे हैं तो पानी तो ऑब्वियसली जाएगा ही। लास्ट में बस ऐड करिए इसमें 1 कप पानी। पानी ऐड करके कुकर की लिड को क्लोज करें और इसको 3 to 4 whistles तक बॉईल कर लें। चलिए जब तक ये बॉईल होती है तब तक हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक जार में ऐड कर रही हूँ 2 कटे हुए प्याज। इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी 8 से 10 हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन अदरक ना हो तो आप इसको साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसे ब्लेंड ही करना है। तो बस अब इसे कर लेते हैं जल्दी से ब्लेंड। तो ब्लेंड होकर ये कुछ इस तरह से क्रीम कलर का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को ट्रांसफ़र करें एक बोल में और उसी जार में आप ऐड करें 1 कप दही। ये नॉर्मल दही है, ना खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है। और साथ साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें 1 कप मलाई। ये दूध के ऊपर का फ्रेश मलाई है, आप चाहें तो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको दही और मलाई को ज़्यादा देर के लिए मिक्सी में जो नहीं करना है, सिर्फ 3 to 4 seconds के लिए आप इसको घुमाएं ताकि आपस में कम्बाइन अप हो जाए। अब इधर हमारा चाप भी बॉईल हो चुकी है, चलिए ओपन करके देख लेते हैं। नॉर्मली मटन 2 to 3 whistles में कुक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं कुक हुआ होगा तो आप इसमें 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी है। इस पानी को आपको ड्रेन आउट नहीं करना है, आप बस थोड़ी देर गैस ऑन करके रखते हैं, ये खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हल्का सा मिक्स करके इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए गैस पे रखा है ताकि पानी इसका अच्छे से इवेपोरेट हो जाए। जब पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा तो इस टाइम पे हम करेंगे चाप को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, आपको ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है। और इसमें मैंने चाप के पीसेस को रख दिया है। 3 to 4 मिनट्स के लिए आप इन पीसेस को अच्छे से शैलो फ्राई कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं पीसेस एक तरफ से शैलो फ्राई हो चुके हैं, तो इनको टर्न करें और दूसरी तरफ से भी शैलो फ्राई कर लें। तो इस तरीके से आपको मटन के सारे चाप को शैलो फ्राई करके साइड में रख देना है। तो चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने एक पैन में 3/4 कप ऑयल यूज़ करा है। ऑयल मेरा थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, मैं सजेस्ट करूँगी कि 1/2 कप ही ऑयल यूज़ करें, दैट मीन्स 3 to 4 tablespoons ही ऑयल यूज़ करें। ऑयल जब हीटअप हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को क्रैकल होने दें और जब ये अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे प्रिपेयर्ड प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर। इस मिक्सचर को करीब 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और फिर सिंपली लिड से कवर करके इसको 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। 5 मिनट्स बाद लिड को ओपन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये अच्छे से बन चुका है। इस टाइम पे मैंने ऐड करा है इसमें नमक, तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चाप में भी नमक ऐड करा हुआ है। तो जस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 1/2 चम्मच नमक यूज़ करा है। नमक ऐड करने के बाद इसमें डालिए आप फ्राइड चाप। चाप ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करें। मिक्स करने से जो मसाला है चाप के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा और जो हमने प्याज और हरी मिर्च पीसी है उसके फ्लेवर्स भी चाप के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मलाई और दही का मिक्सचर प्रिपेयर किया था। ध्यान रहे जब भी आप दही और मलाई का मिक्सचर डालें तो आपका जो फ्लेम हो वो एकदम लो हो, और उसके बाद इसको जल्दी से मिक्स करें और गैस को ऑफ कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं ये मलाई चाप ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है।
तो चलिए बस जल्दी से इसे कर लेते हैं सर्व। मैंने डिनर में ये चाप बनाई है, तो हमारे यहाँ नॉर्मली रोटी में खाई जाती है डिनर में, तो मैं इन चाप को रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये चावल के साथ या फिर नान या फिर कुलचे के साथ भी बहुत टेस्टी लगती हैं। आप ज़रूर इन्हें अपने घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अल्लाह हाफ़िज़।